इस वक्त हुसैन की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं कि बर्फ़ के सफ़ेद गाले गिर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक टूरिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही है? मैं स्नोमैन बना रही हूँ। अच्छा, स्नोमैन, तो कितनी वक्त में बनाया है इसको? ये हमने 20-25 मिनट में बनाया है। अच्छा, 20-25 मिनट में। और मौसम कैसा है? मौसम यहाँ पे बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को। अच्छा, तो टूरिस्ट को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हम टूरिस्ट को यही कहेंगे कि आएँ आप लोग यहाँ पे एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, स्नोफॉल हो रही है, आप लोग भी आएँगे एंजॉय करेंगे यहाँ पे, बहुत बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे फिलहाल। बहुत शुक्रिया, आप देख रही हैं कि इन्होंने ये स्नोमैन बनाया, दिलचस्प स्नोमैन है। और ये मालम जब्बा स्की रिज़ॉर्ट है जो इस वक्त बंद है, लेकिन यहाँ पे अब इस काबिल हो गया है ये रिज़ॉर्ट के यहाँ पे शुरू हो जाए स्कीइंग के मुकाबले, और इसके लिए मेरे ख़्याल में इकदामात भी किए जा रहे हैं, सफाई भी हो रही है। और ये स्की शॉप है तो जो स्कीयर्स है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो ये स्लोप जो है ये बढ़ जाए और इस काबिल हो जाए कि इस पे स्कीइंग खेली जा सके, तो यहाँ पर पीयर स्कीइंग के मुकाबले भी होंगे। इस वक्त ये कुछ बच्चे हैं, कुछ टूरिस्ट हैं जो स्नोमैन बनाने में लगे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रही है। और उनका ये कहना था कि अमेजिंग मौसम है और लोग जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये स्कीयर्स है जो तैयारी कर रहे हैं कि जब भी ये स्लोप और बढ़ जाए, बर्फ़ जमा हो जाए, तो फिर यहाँ पे स्कीइंग के मुकाबले शुरू होंगे और यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। असमत अली मौजूद है। असमत अली खान, वालेकुम सलाम, बताएगा कि कितनी बर्फ़ दरकार होती है स्कीइंग के लिए? स्कीइंग के लिए सर कम से कम एक फीट तक। अच्छा, और इस वक्त कितनी होगी ये? इस वक्त मैक्सिमम 5-5.5 इंच तक है। अच्छा, अभी हम इसमें खाली वॉकिंग करेगा। ठीक, ये स्नो वॉकिंग शूज़ की तैयारी हो रही है अभी। अच्छा, इंशाल्लाह वॉकिंग के लिए जो है ना इस वक्त आप तैयारी पकड़ रहे हैं? जी, ठीक, इसकी इंशाल्लाह हम जल्द शुरू करेंगे। ठीक, ज़बरदस्त। अब ये आप देखें कि ये स्नो वॉकिंग के लिए मखसूस जूते हैं ये इन लोगों ने पहन रखे हैं। इसमें किस तरह चलते हैं सर? ये तो अभी हमने फर्स्ट टाइम है ना इसका। अच्छा, अभी हमने पहने हुए, अब इसके ऊपर हम ऊपर जाएंगे तो और वॉक करेंगे। वॉक करेंगे, वॉकिंग शूज है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने इनकी बातें सुनी कि स्नो वॉकिंग की तैयारी हो रही है और इसके बाद जब यहाँ पे बर्फ़ जमा हो, असमत अली जो कौमी स्कीयर है उनका ये कहना था कि एक फीट तक बर्फ़ दरकार होती है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 5-6 इंच तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है। ये स्की रिज़ॉर्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये चेयर लिफ्ट भी इस वक्त इन्होंने स्टार्ट किया है ताकि इसको देखा जा सके कि जब सयाह यहाँ पर आएँगे तो इनके लिए ये तफरी का एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि यहाँ पे जब सयाह आते हैं तो वो चेयरलिफ्ट की सैर ज़रूर करते हैं। ये नज़ारे हैं, बर्फ़बारी का सिलसिला इस वक्त जारी है और काफ़ी दिलफरेब नज़ारे हैं, मौसम काफ़ी सुहाना है और लोगों को ये दावत है कि वो यहाँ पे आए इंजॉय करें। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट इंजॉय भी कर रहे हैं, एक दूसरे को गोली भी मार रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं।